मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में एलपीजी वितरकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश की जनता के हित में कई योजनाएं चलाई हैं, हमारी योजनाओं की देश भर में चर्चा है। राइट टू हेल्थ जैसी योजना राजस्थान के अलावा कहीं पर नहीं है। हमने स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाया, चिरंजीवी योजना में 25 लाख का बीमा दिया, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हमने सैनिटरी योजना के लिए 600 करोड़ रुपये दिए हैं। मना के दीपक गहलोत जी ने आपने सही व्यक्ति को चुना है अध्यक्ष, उसके लिए आपको मुबारकबाद। पूरे राज्यों का ध्यान राजस्थान की तरफ गया पहली बार रहा, क्योंकि कुछ योजना ऐसी है और सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से शुरू हो रही है, चाहे राइट टू हेल्थ हो, तो कम योजना नहीं है, दुनिया में नहीं होगी शायद। आपको स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना के दिया गया, पब्लिक को 25 लाख का बीमा दिया गया, दुर्घटना बीमा साथ के अंदर है, ऐसा कहीं सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। आज मेरे पास कई लोग आते हैं हार्ट के भी, किडनी ट्रांसप्लांट के भी। एक हार्ट ट्रांसप्लांट की महिला थी, अभी मुझसे इंटरेक्शन किया उसने, वो इंटरेक्शन आपने देखा वो सोशल मीडिया में देखने लायक है। क्या वो बोल रही थी, तो कहने का मतलब कि एक बहुत बड़े बड़े फैसले हमने किए, राइट टू मिनिमम इनकम एक्ट बना दिया हम लोगों ने, और तो गिग वर्कर्स जो नया शब्द आया है दुनिया के अंदर, जहाँ पर आके उबर ओला और ये आए, जोमेटो वगैरह आए हैं, तो जो दुनिया बदल रही है, जहाँ पर ड्राइवर्स या एसोसिएट होके के ओला में उबर में लग जाते हैं लोग, व्यापार करने लग जाते हैं, बैंक से लोन लेते डूब जाते हैं, वो पहली बार दुनिया के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल मैंने आर्टिकल पढ़ा एक न्यूयॉर्क का जो बेसिस कोई लेखक है, उसने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, लिखा कल या परसों, उसने कहा कि दुनिया के मुल्कों में जो कानून राजस्थान में बना है वो देश के हर राज्य में और दुनिया के मुल्कों की को ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा और लाखों लोगों के हित के अंदर ही है। इस प्रकार के जो 500 रुपये गैस सिलेंडर, आप कितने खुश नजर आ रहे हैं मुझे, उज्ज्वला योजना थी अच्छी योजना, गरीबों का ध्यान रखा गया अच्छी बात थी, पर जो महंगाई बढ़ती जा रही है जिस प्रकार से, क्योंकि मार बहुत गरीब पे ज़्यादा ही बढ़ती है, मिडिल क्लास भी बढ़ती है, मिडिल क्लास की शिकायत रहती है सरकार ने ध्यान रखती गरीबों की या बड़े बड़े उद्योगपतियों की, मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं रखती, पर हमने ध्यान रखा मध्यम वर्ग का भी रखा है, सबके लिए ख़त्म कर दिया, फ्यूल चार्ज बड़ा फैसला वो भी है। तो ये हमारे जो फैसले हुए हैं, मैं समझता हूँ कि कई फैसले ऐसे हुए हैं जो तारीफ काबिल है, जिसमें OPS लागू कर दिया कर्मचारी OPS मानव दृष्टिकोण से, OPS ऐसी स्थिति में आ गया कि पूरे देश के हर राज्य में भारत सरकार जो है उनको सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हम क्या आगे बढ़ें। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमने किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी बिजली, मनरेगा में और शहरों के अंदर रोजगार जो है, आप अधिकांश आपके जो कस्बों में शहरों में आपके आपके जो लगे हुए गैस एजेंसियाँ लगी हुई है, आप समझ सकते हैं शहरों में भी गरीबी बहुत होती है। पहली बार शहरों के लिए भी सरकार ने ये जो 25 दिन की गारंटी दी है उनको काम मिलेगा शहरों के अंदर, उसके लिए भी हमने मिनिमम गारंटी एक्ट बना दिया, उसके अंदर प्रावधान किया गया। घर में महिला संकोच करती है, बचपन हम भी देखते थे, पर महिला जो घूंघट में रहती है संकोच करती है, हाइजीन नहीं होता है, उसके कारण तो महिलाएँ जो कई कैंसर होता है, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है कि जो कह नहीं पाती वो, हमने कहा संकोच खत्म करो और 600 करोड़ रुपये रखे हम लोगों ने अलग से, 12 नैपकिन गरीब अमीर कोई भी हो सबके घर पहुंचेंगे, हर राजस्थान हर घर में पहुंचेंगे, व्यवस्था हमने करी। 1 करोड़ 35 लाख हम लोग मोबाइल स्मार्टफोन दे रहे हैं महिलाओं को, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दे रहे हैं।